Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to demotivate you all to watch motivation videos on any social media platform like YouTube, Instagram, कहीं भी हो. आप motivation video इस video के बाद नहीं देखने वाले हो. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ video में आगे बढ़ के बताऊंगा, पर अगर चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन अपनी भावनाएं जरूर बता देना. तो गाइस आगे बढ़ने के पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि मोटिवेशन की जरूरत आपको पड़ती क्यों है. क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है या आपके अंदर से वो आग नहीं निकल रही होती है जिससे आप पढ़ो, अगर आप स्टूडेंट हो तो, है ना, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब में जाओ, ये सब चीजें नहीं हो रही होती. बेसिकली आपका इंटरेस्ट नहीं होता है तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता उस काम को करने के लिए. तो आप एक कोई यूट्यूब की वीडियो देख लेते हो जहां पर एकदम आग मोटिवेशन, पीछे एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के, जैसे मैं खुद मोटिवेशन वीडियो बनाया हूं अपनी, उसमें देखो बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम तबाही, एकदम तगड़ा मोटिवेशन. तो इससे क्या होता है, बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, एक दो घंटे, एक दो दिन एकदम आग की तरह पढ़ते, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज रहती है, अरे मोटिवेशन है, ठीक है पढ़ते. पर क्या होता है, एक दो दिन के बाद आप फिर से वही लेवल पे आ जाते हो, वही डाउन हो जाते हो. और बार 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 मोटिवेशन वीडियो देख के अपने आपको मोटिवेट करना टेम्पररी सॉल्यूशन है, ठीक है. परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूं. परमानेंट सॉल्यूशन क्या है इस चीज का, गाइस यू नीड टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन. अब सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट द पॉइंट इज कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता है, पर मैं अपनी वीडियोस में हमेशा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसे अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर कर सकते हो और कैसे आपको इसके बाद से मोटिवेशनल वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ने वाली. तो इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स में बांट दिया है, जिसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो बोनस पॉइंट है जो मैंने एक मॉन्क से सीखा है और आपको बताने वाला हूं, मेरे को वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है इसलिए फिफ्थ रैंक में है, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो चेंज योर एटीट्यूड गाइस. तो मैं आपको दो स्मोकर्स के बारे में बताने वाला हूं, दोनों फ्रेंड थे बेसिकली और दोनों कोशिश कर रहे थे कि दोनों अपनी स्मोकिंग छोड़ दें. तो एक पर्सन आया और उसने ऑफर किया दोनों को, क्योंकि उसको पता था कि लोग तो स्मोकिंग करते हैं. तो पहला पर्सन क्या बोला पता है, नो आई एम ट्राइंग टू क्विट. ये देखो पहला पर्सन क्या बोला, नो आई एम ट्राइंग टू क्विट, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की. जबकि दूसरा पर्सन क्या बोला पता है, नो आई एम नॉट अ स्मोकर. क्या बोला वो, अब मैं स्मोकर नहीं हूं, आई एम नॉट अ स्मोकर, अब मैं स्मोकर ही नहीं हूं. पहला पर्सन क्या बोला, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की. दूसरा पर्सन बोला मैं स्मोकर ही नहीं, जबकि दोनों स्मोकिंग करते थे पहले और दोनों छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. बट एक वर्ड से, एक सेंटेंस से दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक बोला मैं स्मोकर नहीं हूं, एक बोला मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं. तो आपको समझ में, एटीट्यूड डिफर्स गाइस. आपको कौन सा बनना है, आपको ये वाला बनना है. मतलब I am trying to complete my syllabus. आपको ये बोलना है कि I am going to complete my syllabus. आपको ये बोलना है. बोलो मैं कोशिश कर रहा हूँ syllabus complete करने की. आपको ये बोलना है कि मैं syllabus complete कर दूंगा. आपको ये बोलना है. बोलो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा. आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय सिलेबस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ डिसिप्लिन मास्टर करने के लिए अपना एटीट्यूड आप लोग चेंज करोगे. सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन योर हेल्थ. गाइस आप लोग आजकल की लाइफ में अपने हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो. स्पेशली मैं भी उन पर्सन में था जो अपने हेल्थ पे फोकस नहीं करता था, ठीक है. पर अभी धीरे धीरे इस चीज को मैं वर्क में, अभी मैं वर्क कर रहा हूं. मैं जो भी चीज आपको वीडियो में शेयर करता हूं उसके ऊपर मैं खुद कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होता हूं. तो मैं भी वर्क कर रहा हूं. जैसे मेरे को भी कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत आदत थी, पर मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूं उसको, ठीक है. तो आपको अपने हेल्थ पे फोकस करना है, आपको अपनी ईटिंग एक्सरसाइज में ये सब में फोकस करना है. तो इसके लिए मेजरली आपको मेडिटेशन करना होता है, मेडिटेशन या योगा कर सकते हो. आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. आपका फोन आपसे दूर होना चाहिए सोने के टाइम पे. आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाना है या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब खाना है, ठीक है. आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज एंड ऑल सारी चीजें करनी है और आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है. आपका वेट मेजर करना है प्रॉपर टाइम टू टाइम. आपको सारी चीजें, मतलब अपने हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है सेल्फ डिसिप्लिन का और विल पावर का, ठीक है. डू नॉट डू वॉट यू डोंट वॉन्ट टू डू, ठीक है. तो थर्ड पॉइंट में बोल रहा है आप वो करो जो आपको करने का बिल्कुल मन नहीं है. यस ये सबसे पावरफुल चीज है जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगी, कि आप वो कार्यक्रम करो जो कार्यक्रम करने का आपको बिल्कुल मन नहीं करता. अब मैंने यहाँ स्टडी का एग्जांपल क्यों लिया, बच्चे बोलेंगे भैया स्टडी करने का मन, तुम लोग ये चीज एक्सेप्ट करोगे कि हाँ हमको, हम लोगों को बहुत देर तक पढ़ने का मन नहीं करता है या बहुत टाइम तक हम लोग बुक में घुसे नहीं रह सकते. अगर सेम टाइम में मैं तुमको गेम खेलने बोल दूं या यूट्यूब में कोई मूवी देखने बोल दूं तो आप वो मोर देन रिक्वायर्ड टाइम देख सकते हो, पर पढ़ाई के केस में ये चीज नहीं होती है. तो उस सिचुएशन में आपको वो जानबूझ के करना है, अपने आप को प्रेशराइज करना है कि नहीं जो चीज मेरे को करने का मन नहीं है, जहां मेरा मन मेरे को भटका रहा है गलत चीजों में नहीं भटकूंगा. मेरा दिमाग बोलेगा जो सही चीज है मैं उसको करूंगा, भले मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है. तो आपका जो काम करने का मन नहीं है आप वो काम जबरदस्ती करो, इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके सेल्फ डिसिप्लिन में. मैं बता रहा हूं सिर्फ 30 से 90 डेज की बात है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके नेचर में चीज आ जाएगी. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 30 टू 90 डेज, आपके नेचर में सारी चीजें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएंगी. तो आपको ये काम करना है जो काम आपका करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ठीक है. गोल सेटिंग ऑन पेपर, मतलब आपको सबसे, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मैं बोल सकता हूँ. फोर्थ और फिफ्थ दो सबसे बड़े फैक्टर है मेरे अकॉर्डिंग. फोर्थ फैक्टर में आपके सामने, आपके स्टडी टेबल में, आपके स्टडी टेबल की दीवार में, आपके सामने
कोई भी बोलो, आपका गोल आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। अपने पेपर पे लिखो पर्पस क्या है। घर चाहिए लिख दो, हाउस चाहिए मेरे को, मम्मी को खुश रखना है लिख दो, मम्मी को खुश रखना है, मम्मी को सब कुछ लाके देना है, पापा को खुश रखना है पापा को सब लाके देना है, ठीक है, मेरे को चैरिटी करना है, मेरे को ये करना है। अपना ऑब्जेक्टिव, अपना गोल, लाइफ का कोई भी गोल हो, लग्जीरियस लाइफ चाहिए ये भी गोल होता है, कार चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए। तुम लोग बोलोगे भैया फैंटेसाइजिंग चीजें, तो फैंटेसाइजिंग चीजें, फैंटेसाइजिंग चीजें लिख लो। और अगर कोई और टारगेट है कि नहीं मेरे को लाइफ में ये बनना है, मेरे को लाइफ में ये फोल्ड है, मेरे को लाइफ में ये अचीवमेंट चाहिए, वो अचीवमेंट को अपने सामने लिख दो। लॉन्ग टर्म गोल तुम्हारे आंख के सामने हमेशा रहना चाहिए। जब जब डीमोटिवेट फील करोगे, सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज करने का मौका आएगा। मोटिवेशन वीडियो नहीं देखना, सेल्फ डिसिप्लिन एक्सरसाइज करना है। बेसिकली मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन में अंतर क्या होता है? मोटिवेशन मतलब कि भाई आपको जब कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप वो काम नहीं कर रहे हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत है। पर सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो भी आप वो काम करते हो, ठीक है, जब आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है उसके बावजूद आप वो काम करोगे, दैट इज नोन एज सेल्फ डिसिप्लिन। और इसलिए दोनों में इतना डिफरेंस आ जाता है, मोटिवेशन इज टेम्पररी, सेल्फ डिसिप्लिन इज परमानेंट, ठीक है। तो आपको गोल सेट करना है, अपने पेपर में लिखना है, और योर गोल शुड बी स्मार्ट, ये बात आपको पता ही होगी, ठीक है, और उसको अपने सामने लिख दो। अनरियलिस्टिक गोल मत बनाना, ठीक है, रियलिस्टिक गोल्स अपने सामने लिख दो, या फिर जहां सोते हो वहां ऊपर वॉल पे लगा दो, ताकि जब भी सुबह सो के उठो आपकी आंख खुलते साथ आपको ऊपर आपका गोल दिख जाए और आपकी दिन की शुरुआत फुल एनर्जी से हो जाए। लास्ट थिंग जो मैंने बोली थी बोनस, ये मैंने एक मॉन्क से सीखी थी, ऑफ कोर्स एक YouTube के वीडियो से ही सीखी थी मैंने, और ये चीज को मैं रोज अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करता हूं कि फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, मतलब आप सबसे पहले वो काम खत्म करो जो आपने स्टार्ट कर दिया है, मतलब आपने जो काम स्टार्ट किया है पहले आप उसको खत्म करो, उसके बाद कोई काम स्टार्ट करना, ठीक है। तो फर्स्ट फिनिश द वर्क यू हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, एंड जस्ट आफ्टर फिनिशिंग इट गो टू द एनी अदर वर्क, ठीक है। सेकंड थिंग, डू अ लिटिल बेटर देन यू थिंक यू कैन, मतलब आपको जितना लगता है, आपको लगता है मैं इतना कर सकता हूं, तो उससे थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मैं दिन में 5 घंटे पढ़ सकता हूं, कोशिश करो 5.5 घंटे पढ़ लो, कोशिश करो कि थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करो, थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करो। आपको ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स में 50 MCQ सॉल्व कर सकता हूं 1 घंटे में, तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के 55 करने की कोशिश करो। डू अ लिटिल बेटर देन यू थिंक, मतलब थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो, और डू अ लिटिल मोर देन यू थिंक, मतलब थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करो, थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो, थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करो, थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो, थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करो, मतलब जितनी एफिशिएंसी आपको लगती है आप लगा सकते हो उसे थोड़ी सी ज्यादा लगाओ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करो, आपको दिखने लगेगा। ट्रैकिंग करो, अपने हैबिट की ट्रैकिंग करो कि भाई कितना मेरा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड और डू अ लिटिल बेटर देन यू थिंक यू कैन, डू अ लिटिल मोर देन यू थिंक यू कैन, मतलब थोड़ा ज्यादा करो जितना आप सोचते हो उससे, और थोड़ा बेटर करो जितना आप सोचते हो उससे। तो ये चीज अगर आप फॉलो अप करोगे, तो ये 5 चीजें मैंने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे यू आर गोइंग टू मास्टर इन योर सेल्फ डिसिप्लिन। आफ्टर 1 or 2 months आपको डिफरेंस 1 महीने के अंदर, वैसे तो डिफरेंस 10-15 दिन में दिखने लगेगा, 1 महीने के अंदर आपको इफेक्टिव डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 2 or 3 महीने मैं तो बोल रहा हूँ 30 to 90 days का स्पैन, दैट्स इट, उसके बाद आपको ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा आपकी पूरी लाइफ में। और उसके बाद सबको कभी भी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके आप लोग हमेशा डिमांड करते हो भैया मोटिवेशन लाओ लाओ, मैं ले आता हूं मोटिवेशनल वीडियो, पर उसकी आपको जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट एग्जाम टाइम है और कुछ चीजें तो वहां थोड़ी मोटिवेशन लग जाती है, बट देन ऑल्सो ओवरऑल आपकी लाइफ में सर्वाइवल के लिए यू वॉन्ट नीड एनी मोटिवेशनल वीडियो, जस्ट नीड टू मास्टर योर सेल्फ डिसिप्लिन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते तुम लोग अगले वीडियो में, तब तक लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।